विकास और पंचायती राज मंत्री और हमारे आज के इस आयोजन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करेंगे। सर आपसे निवेदन, कृपया NGDRS के पोर्टल और डैशबोर्ड को आप डिजिटली लॉन्च करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, NGDRS के पोर्टल और डैशबोर्ड का शुभारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास भी उसमें जुड़ गया है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और अंत्योदय की बात होती है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो योजनाएं हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ पहुंचे। उसके लिए बेहद जरूरी है कि सबसे पहले वो जागरूक हों कि उनके क्या अधिकार है और सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मंत्री जी जिस तरह से हम सबका हमारे विभाग में मंत्रालय मार्गदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में उल्लेखनीय है। लेकिन उससे इतर मैं आप सबसे ये बात जरूर साझा करना चाहूंगी कि जब भी हमारे कार्यक्रम में मंत्रीगण आते हैं मंच पर अतिथि के रूप में तो निश्चित रूप से हमें तैयारी तो करनी ही होती है उनके विषय में। लेकिन मैं जब विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं वरिष्ठ अधिकारी उनसे ब्रीफिंग ले रही थी तो ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो मुझे ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ऐसे करना है आपको वैसे करना है और बीच बीच में जब भी मंत्री जी का जिक्र आता था तो प्रशंसा का फिर एक पुल बनता था फिर हम भड़क जाते थे। ये मेरे अनुभव के लिए एक अजीब सी बात थी कि ऐसा बहुत कम कम देखने में आता है कि माननीय मंत्री जी का वर्णन हो उनके विषय मुझे कोई बताया जा रहा हो और फिर उनकी प्रशंसा की बात चल पड़ती थी कि वो बहुत सजग हैं ग्रामीणों के लिए गरीबों के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए। उनकी हमेशा यही चिंता रहती है यही सरोकार रहता है किस प्रकार से उनका जीविकोपार्जन बेहतर हो उनका जीवन स्तर सुधरे। और ये जो आज की हमारी कार्यशाला है जो पहल है कहीं ना कहीं ये भी उसी का हम देख रहे हैं कि फलीभूत होता हुआ एक रूप हमारे सामने है। मैं एक बात और जरूर जोड़ना चाहूंगी, हमने माननीय मंत्री जी को सदन में सुना है विभिन्न मंचों पर सुना है कॉन्फ्रेंसेस में सुना है आम जनमानस से संवाद स्थापित करते हुए देखा है। जहां वो होते हैं उनकी उपस्थिति भर से पूरा वातावरण जो है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि पूरा परिवेश झंकृत हो जाता है। तो उन्हीं के शब्दों को सुनने के लिए हम सब जा रहे थे। आप सबकी कठोर ध्वनि के बीच में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी आपके आशीर्वचनों के लिए। सर आज भारत में जो अमृत महोत्सव के रूप में हम विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने उस पूर्वजों को जिन्होंने आजादी में आहुति दी उनको आज ये समर्पित हम कर रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। आज डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम इसमें हमारे सहयोगी हमारे भाई माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी हमारी दीदी साध्वी निरंजना जी मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ कि उनकी बेटी की शादियों में आना था लेकिन जम्मू कश्मीर में एक लेफ्टिनेंट उसकी मृत्यु मेरे कंसर्नसी का था इस कारण मैं नहीं जा पाया। मेरे बीच मेरे सहयोगी हैं तो नहीं लेकिन पंचायती राज के MOS मानवर पाटिल जी हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान मेरे भाई जिस दिन स्वामित्व का कार्यक्रम था मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश और उस दिन उनका जन्मदिन भी था तो प्रधानमंत्री ने भी बढ़ चढ़ करके उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इन्होंने
भाग नहीं लिया बल्कि दिख रहा था कि कैसे करोड़ों लोगों के घर का स्वामित्व का अधिकार दे रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में पंचायती राज, ग्रामीण विकास और LR के सेक्रेटरी मानवर अजय तिर्की जी, नागेंद्र नाथ सिन्हा जी सचिव ग्रामीण विकास और सुनील कुमार सचिव पंचायती राज जो मंच पर आसीन, हुकुम सिंह मीना जो अपर सचिव हैं, मैं बिहार से आता हूं, सामने बिहार के अधिकारी बैठे हैं। विवेक जी, बिहार में मैं मंत्री था उस समय, क्योंकि ये सर्वे एक ऐसा जटिल विषय कि लगता था कैसे होगा कहाँ, और जब भी हो तो अंग्रेज के समय सर्वे हुआ ये वो, हुकुम सिंह मीना उस समय वहाँ पता चला कि हवाई जहाज से सर्वे या सैटेलाइट से सर्वे की शुरुआत का शुरू की थी, लेकिन अब अंतिम रूप अब आने जा रहा है। मैं हुकुम सिंह मीना को धन्यवाद देता, विभिन्न राज्यों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी का, और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हमारी दीदी बात कर रही थी तो टेक्नोलॉजी ने बात भी करवा रहा था, टेक्नोलॉजी ने एक बटन वहां उनका दब गया तो डिस्कनेक्ट भी हो गए। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरे देश के हमारे मंत्री सचिव अधिकारीगण और जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन इनके हाथ में है। एजुकेशन जितना जल्दी हम चाहते हैं, देश चाहता है, वो इनके हाथों में है। मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता, PIB के अधिकारी को भी धन्यवाद देता, और मैं आज के अवसर पर अगर कहूं सर्वे ऑफ इंडिया को अगर धन्यवाद ना दो तो ये सब हम कर पाने में इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। मित्रों, आज इस कार्यक्रम मैं पूछ रहा था कि मेरे ध्यान में था कि देश में 1 हेक्टेयर से नीचे की जमीन मुश्किल से 90%, तो मेरे अधिकारी ने कहा कि 86% का पीछे का डेटा है भारत सरकार जो गूगल पे, लेकिन 90% वो आंकड़े पीछे के हैं। प्रैक्टिकल मेरा मानना है कि लगभग 90%। अब जहां जमीन 90% हो, छोटे लोग छोटे टुकड़े, वहां अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, झगड़े हो, कोर्ट कचहरी हो, जिसका माना गया है कि लगभग पूरी संपत्ति का 1.5% ये झगड़े मुकदमे में जा रहे हैं। मैं पूछ रहा था कि स्वामित्व में जो हमें फायदा दिख रहा है, जिनके गांव में जिनके घरों का अधिकार पत्र मिला, वो क्या आबादी है घर का टुकड़े का। तो मैं तो देख रहा हूं कि आजादी 1985 से जब ये आवास योजना चला वो 20 मीटर के स्क्वायर मीटर का था, अभी प्रधानमंत्री ने 25 स्क्वायर मीटर, तो 3 करोड़ 25 लाख पहले हुआ था और 3 करोड़ लगभग 2 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति जो हमने टारगेट लिया है, 74 लाख पहले, सब मिला लूं तो 6-7 करोड़ घर दिखेगा।
यही दिख रहा है कि 25-30% आबादी जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है वो 25 स्क्वायर मीटर से नीचे के घरों की आबादी। अगर इसमें भी लोगों को पारदर्शी टेक्नोलॉजी की तरह कागज ना मिले, अधिकार ना मिले, तो फिर पूरी जिंदगी उसके हक हकूक की लड़ाई में चली जाती है। तो आज भूमि संसाधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस डिजिटल इंडिया अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। यह औपचारिकता है। मेरी तो इच्छा थी कि मैं पूरे कार्यक्रम तक रहूं और जो लोगों का भाव आए, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा हूं कि आप तो जो डिस्कशन का पॉइंट उभर के आए वो देंगे ही, लेकिन वीडियोग्राफी भी कराएंगे, उनके डिस्कशन का क्या अच्छा अच्छा बिंदु आता, क्योंकि आज आदान प्रदान का है कि कौन राज सबसे बेहतर कार्यक्रम कर रहा है, कौन राज उसको जब देखेगा सुनेगा। अब एक छोटा सा, अभी क्लाइमेट चेंज की बात चल रहा है, अभी पीआर सेक्रेटरी तमिलनाडु गए, नागेंद्र जी झारखंड का उपमा दे रहे थे, टोटल 16 से कैसे एक पंचायत को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में सेल्फ सफिशिएंट। तो ये तो जानने का है, इसमें न किसी राज्य को हीन भावना अपने में लानी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जानना मनुष्य का दीदी बोल रही थी, जानना समझना सुनना ग्रहण करना ये मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो राज्यों के अधिकारियों से भी मैं कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है जो आप कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए सर्वमान हो, लेकिन जो आपको दूसरे राज्यों का जो अच्छा लगता हो, जिसे गांव की कहावत में बिहार में कहते हैं सोने में सुहागा, वो उनके अच्छाइयों को अपने में समेटने का आज का ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं तो यही समझता हूं। मैं अगर कहूं कि आज न्यायालय की बात मैंने आपसे कहा, पीछे फगन जी जब कह रहे थे कुलस्ते जी गांव में कैसे झगड़े होते हैं, कैसे पटवारी जाते हैं और कागजों पर देख करके लोगों का चेहरा देख करके कभी खुद जैसे नहीं कहा जाता है अक्षरों खुदा से जुदा कर देते हैं, एक अंक इधर से उधर कर दिए एक तो ये हो जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा, उसी के समाधान के लिए अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य का काम है और राज्य कर भी रहे हैं उसको तकनीकी और कानूनी मान्यता देकर के सेल्फ उसको जैसे स्वामित्व में सेल्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन की भूमिका, उसी तरह इसके इसमें भी। और जब हम मुझे तो पूरा है कि अभी मैं बिहार में विभाग का खास करके देख रहा विवेक जी के विभाग का राजस्व को, क्योंकि मैंने अपने कंसल्टेंसी के जिले में अब जो हमारे नक्शे हैं जमीन के वो एक कमिश्नरी में हुआ करता था, अब वहां से 5 जिले में बट गए, हमारे पास वो कागज का अभिलेख नहीं, नक्शा नहीं। और मैं अपने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी से बात किया कि आप कह रहे हैं कि 90% हम इतने गांव इतने जिले को कर लिए, तब जब मैंने पूछा तो हमारे विवेक जी ने बताया कि दिसंबर तक हो जाएगा। जब मैं बेगूसराय में जाकर के लोगों को बताया कि अब रिकॉर्ड रूम डिजिटल हो जाएगा और उसमें आप अपने घर से नक्शे को एक सिस्टम के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा आप ले सकते हैं,
तो कितनी खुशी थी उसका वर्णन मैं यहां नहीं कर सकता, क्योंकि ये कटु सत्य है। तो रिकॉर्ड रूम में जाओ तो कहेगा नक्शे नहीं है, फिर आपको किसी अधिकारी ने कहा नहीं नहीं नक्शा है, तो फिर कहेंगे कि आपके हाथ में तो गुलाब का फूल आया ही नहीं है, तो गुलाब का फूल ला करके उनको दीजिए, गेंदे का फूल दीजिए, तब वो सुगंध लेंगे, तब शायद उनका मन बन जाए। तो ये स्थिति है और बड़ा संकट भी होता ऐसी स्थिति के लिए। आज मैं भारत सरकार ने जो ये माहौल क्रिएट किया है, माहौल नहीं बल्कि जमीन पर उतर रहा है, ये स्वामित्व के रूप में, लैंड के डिजिटल के रूप में, ये भारत के लिए एक वरदान है। ईज ऑफ डूइंग में भारत आज हर साल जहां हम 125 पर थे आज 56 पर पहुंच गए हैं। मेरा उम्मीद है कि इन सब चीजों को करने के बाद वो दिन दूर नहीं कि हम भारत 1-10 में ईज ऑफ डूइंग में आएंगे। जब मैं अपने लोगों से बातचीत कर रहा था, अपनी टीम से किसका, तो मैं एक इतना बल मुझे कागज अभी डैशबोर्ड पर मिला प्रेजेंटेशन, तो मैं देख रहा था तो कई चीज ऐसे मिली, उसमें मिला कि ये इसको आराम से मैं कह सकता वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ये आराम से कह सकता, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम में ये व्यवस्था में ये है बना हुआ कि आप कहीं से भी इसका डॉक्यूमेंटेशन इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैंने देखा कि इस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मिशन, हमारे हिसाब से इसको शॉर्ट में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कहा, लेकिन 3C हमारे लोगों ने कहा कि 3C कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। आप समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जब आप करके एक जगह को लाना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड और कन्विंस ऑफ पीपल, आप इसको गंभीरता से सुनेंगे समझेंगे तो आपके समझ में ये बातें आई। और जब मैं इनका देख रहा था, ये तो थीम हुआ कि बेनिफिट क्या है, इन्होंने बेनिफिट में तो कई ऐसे चीजों को रखा है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बेनिफिट और प्रोसेस री इंजरी, टाइम सेविंग, सिंगल विंडो अपॉइंटमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, इसमें है ऑनलाइन प्रोसेस, इंटायर डेटाबेस इज A store on cloud server and dashboard gives the real-time data. अगर आज से 3 साल पहले 4 साल 5 साल पहले कोई कहे कि क्या ये संभव है, मैं नहीं समझता कि ये संभव था। मिनिमम इंटरफेरेंस, जब सब कुछ, अगर साध्वी जी का पतन दब गया, यहां से लाख जोर जोर चिल्लाती तो भी तो नहीं सुन पाती क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस की कोई जगह नहीं है। ये भी कह रहे हैं मिनिमम इंटरफेरेंस, रिड्यूस SRO विजिट एंड अलाउ ऑनलाइन क्वेरी एंड रिप्लाई। और एक सबसे मुझे जो अच्छा लगा, इसमें टिक भी लगा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ट्रांजेक्शन। अभी इसको कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड ऑनलाइन और ऑटो कैलकुलेशन ऑन ड्यूटी,
कहीं नहीं है कि आपको जो लिखाने वाला है वो कह दे कि ये इतना का लगेगा इतना नहीं लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी अदर चार्जेज और वैल्यू। तो ये मिला करके जब मैं इनका डिटेल देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक सिस्टम में जितनी चीजों को मैंने कहा उसको इन्होंने कहा सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू ऑनलाइन एंट्री ऑफ डीड, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, डॉक्यूमेंट सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी जनरेशन। ये सुविधा जो लोग जमीन खरीद बिक्री किए होंगे आज तक वो इसको महसूस कर सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हो सकते हैं। मैं तो जो इसके अब मैं दूसरा देख रहा था रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन वैल्यूएशन विद एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, जो एरिया रेट होता है इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एनी हुएर विद इन कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन। अब ऐसे इतने सारे एक साथ हों, मैं समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बड़ा और कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने आजादी केवल आजादी नहीं सोचा होगा, सोचा होगा कि कैसा भारत हो जिसमें झगड़े कम हो, लोगों को अधिकार मिले अपने संपत्ति का, उनको अपने संपत्ति के लिए अधिकार के लिए दर दर ठोकरे ना खाना पड़े। ये आज मैं और मुझे खुशी है कि 6.56 लाख गांवों में से 6.08 लाख गांवों के भू अभिलेखों को पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज डिजिटलाइज कर आम लोगों के पहुंच के लिए वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है। अगर मैं पूछूं कि ये रजिस्ट्री ऑफिस और जो रेवेन्यू के अधिकारी होते हैं जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं इन दोनों का तालमेल का क्या अभी स्थिति है, इसमें ये कह रहे हैं 5,220 रजिस्ट्री कार्यालयों में से 4,883 कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है, यानी 94% के लगभग में, ये 90 कह रहे थे, लगता है कि हमारे में 2-4% का अपडेट है या जो है। ये पूरे देश में मार्च 2023 में विभाग का संकल्प है कि 2023 में इसे पूरा कर लेंगे राज्यों के सहयोग से। मैं राज्यों से निवेदन करूंगा ये काम आपका है, परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है, हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं। वो गांव की कहावत है मारे सिपाही नाम हवलदार का, अगर आप पूरा करोगे, गोविंद जी ने अगर करोड़ों लोगों को स्वामित्व कार्ड दे दिया, तालियां मैं बजा रहा हूं, अगर बिहार ने कर लिया तालियां मैं बजाऊंगा। हम तो एक फैसिलेटर की भूमिका में और उसमें पूरी टीम देश और दुनिया से टेक्नोलॉजी से साथ लेकर के हम आपके लिए खड़े हैं। हर तरह से तन मन धन जो गांव की कहावत है कि हम मैं आपके लिए तन मन धन से खड़ा हूं, तो वही है मैं आपकी मदद के लिए तन मन धन से खड़ा हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, हमारे सचिव कह रहे थे या एडिशनल सेक्रेटरी, ये इतने फायदे होंगे। अब बैंक से लोन लेने जाइए,
तो नो इनकम्बेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। अब ये रजिस्ट्री ऑफिस बैंक सबको लिंक कर दिया जाएगा, एक बटन दबाया जाएगा और बटन से वो आ जाएगा कि ये इस जमीन पर लैंड है, लोन है कि नहीं है, इसकी स्थिति क्या है। केवल वही नहीं, चाहे उर्वरक की सब्सिडी भविष्य में आने वाला हो, चाहे पीएम किसान का निधि हो, चाहे खरीद बिक्री का हो, कर्ज का हो, कई ऐसे तो होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके टेक्निकल चीजों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि जब गांव में अमीन को बुलाते हैं तो एक दो सिकड़ी तो ऐसे ही वो चाहे तो किसी को फायदा पहुंचाते, इधर दाब लिया उधर बढ़ा दिया, देखते रह जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और उसमें भी कोई दबंग से झगड़ा हो जाए तब तो गांव वाले भी कहेंगे हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहा, ठीक ही तो नापा। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी 5 से 10 सेंटीमीटर को ही इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो भी अब जब अल्पिन नंबर आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश में आधार कार्ड, आज आधार कार्ड के कारण एक बटन आधार के साथ दबाते हैं तो उसके सारे पते आ जाते हैं। आज जमीन का भी आधार अल्पिन आधार नंबर होगा, ये आधार आ गया तो ज्यादा से ज्यादा किसी जमीन, मेरे जमीन का आधार नंबर अगर मेरे दो बेटों में वो बट गया, ये चला जाएगा पीछे पर्दे क्लाउड में और दो नए जनरेट हो जाएंगे आधार नंबर अल्पिन नंबर। ये कहीं किसी को झगड़ा नहीं होगा, एक नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिलेगा। जो यहाँ रेवेन्यू के सारे अधिकारी और मंत्री जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, एक रेवेन्यू विलेज का जनरेट होता है फिर दूसरे रेवेन्यू विलेज में वही एक से शुरू होता है। लेकिन यहाँ मोबाइल नंबर की तरह, आधार नंबर की तरह, चाहे अरुणाचल में मोबाइल नंबर लें चाहे गोवा में जाकर खेलें, एक नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिलता। आधार नंबर एक उसी तरह से जमीन का नंबर भी आपका ही होगा। सबसे बड़ा यही फायदा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि अभी लगभग 7 लाख भूखंडों में, जो मेरे पास आंकड़े ही तो हर समय बढ़ रहा है, और यूनिक आईडी लगभग 13 राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन का काम की जा चुकी है। मैं राज्यों से फिर निवेदन करूंगा, सचिवों से, अन्य अधिकारियों से, बिना किसी भेदभाव का, आपको लगता है कि आपको बेहतर काम, कई राज्य कहते हैं मुझे कोर्ट तो दे दीजिए और आपसे नहीं कुछ चाहिए, तो मैं कहता हूं अरे भाई कोड भी आप ही का है और डिजिटल भी आप ही के लिए कर रहा हूं, हमारा तो कुछ है नहीं। तो कोड में भी साथ रहो, डिजिटल में भी साथ रहो, आपके काम को मैं लोगों के सामने पूरे देश और दुनिया में रखूंगा, यही मैं आग्रह निवेदन करता हूं। लाभ मैंने कहा और मैं इतना ही कहूंगा कि आप जो राज्य अभी तक हमसे नहीं जुट पाए हैं वो जुटे, 283 जिलों में इसका काम पूरा हो गया है और मेरा मानना है कि अब इसे होने में, और मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि सम्मानित करने का काम तो हर डिपार्टमेंट में, हम पंचायतों को भी सम्मानित करते हैं, उसके पैरामीटर होते हैं, हम के इसमें भी सम्मानित करें अधिकारी और राज्यों को जो अच्छे काम करें उनके लिए आप पैरामीटर बनाएं किस चीज के लिए क्या होगा, ये आप राज्यों को दें। लेकिन जो अच्छे काम करें
उन्हें देश के सामने सम्मानित करने का भी काम करें। मैं तो यही प्रार्थना यही निवेदन करूंगा, क्योंकि न ये मेरा काम है न आपका काम है, ये देश के उन तमाम देशवासियों का काम है जो आज बेमतलब का 1-1.5% संपत्ति विवाद में पड़ा हुआ है। हमारे जमीन के टुकड़े कम हैं, हम हर दिन अगर इसी झगड़े झंझट में रहें तो उससे फायदा नहीं। आज अमृत महोत्सव पर हम सब मिलकर के आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को समर्पित करें कि 2023 तक कोई राज्य नहीं बचेगा जिसका अल्पी नंबर रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन ना हो जाए, आधुनिकरण ना हो जाए, और ऐसा आधुनिकरण हो कि लोग अपने गांव में बिना ब्लॉक में गए हुए कॉमन सर्विस सेंटर या आपके पास इंटरनेट, जो भी पैसे का आधार होगा कि डिजिटल से पैसा पेमेंट कर दो, डॉक्यूमेंट निकाल लो, रजिस्ट्री के लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दो। ये भूतो न भविष्यति, किसी ने नहीं सोचा था कि आज स्वामित्व और अल्पिन ये दो आएंगे। मैं इसके लिए पूरे राज्यों को धन्यवाद देता, इसलिए अगर मैं धन्यवाद केवल अपने विभाग को दूं तो राज कहेंगे कि करना भेजे है, धन्यवाद इसे दे रहे हैं, करना आपको है, लेकिन विभाग ने रात दिन आपसे जुड़ करके हर दिन कैसे पूरा हो आपके सहयोग में खड़ा है, इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देता, आपको भी धन्यवाद देता। जो नहीं जुटे हैं वो जुटे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए और आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ हमारे सचिव श्री अजय तिर्की सर से। सर कृपया हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी को आप हृदय चिन्ह और शॉल भेज करके उनका धन्यवाद करें। अपनी व्यस्तताओं में से उन्होंने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए, हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर माननीय मंत्री जी। और हमारे सचिव मोहम्मद सर अब सर को शॉल भेज कर रहे हैं, धन्यवाद करूँ। और अब मैं हमारे अपर सचिव श्री मुहम्मदीना जी से निवेदन करूंगी, कृपया केंद्रीय उत्पाद और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फगन सिंह मंदिर सर को आप धन्यवाद करूँ स्मृति चिन्ह और शॉल भेज करने की। अपर सचिव श्री कुमसी होना सर इस समय माननीय मंत्री श्री भगत सिंह कुलस्ते जी को शॉल भेज कर रही हैं। और सर का धन्यवाद हम कर रहे हैं, आपने रचिताओं में जो समय निकाला सर, और आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह। इसी के साथ मैं चाहती माने गणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये पूरे दिन का हमारा राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें राज्य सरकारों के स्तर पर जो कार्य हो रहा है उसका भी अनुभव और विचारों का आदान प्रदान होगा। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए हमने बता दें कि जो सचिव या मंत्री कार्यालय में जैसे सर का आदेश हुआ है, सर बता रहे हैं कि वो पूरे मंत्रालय में आज रहेंगे, जो भी उनसे संपर्क करना चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अब मैं उमा कांत से भी निवेदन कर देती हूँ, हमारे साथ मध्य प्रदेश के हमारे राजस्व मंत्री गोविंद राठौर जी हैं, सर को भी कृपया आपने सर एक बार साथ में साथ आ जाइए, साथ में सर पीछे आ जाइए, उसके बाद हाँ सर विजय सर